बिग बॉस रियलिटी शो का मतलब ही है ड्रामा और लोगों की सही बिहेवियर का फैंस के सामने आना। बिग बॉस के घर में आए दिन सबके झगड़ा और कंट्रोवर्सी होती रहती है। बता दें कि बिग बॉस OTT3 में यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी दो बीवी के साथ आए थे, जिसमें से अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक शो से बाहर हो चुकी है। बता दें कि पायल मलिक को यूजर्स ने बुरा भला कहा है, क्योंकि उन्होंने विशाल पांडे के बारे में कुछ कहा था। विशाल के बारे में गलत सुनने के बाद उनके फैंस या बर्दाश्त नहीं कर पाए और पायल मलिक को जमकर ट्रोल किया, जिस पर पायल ने एक वीडियो रोते हुए शेयर किया है और कहा है कि अगर उन्होंने अपने परिवार के बारे में बोला तो क्या गलत किया। पायल मलिक कहती हैं, अगर परिवार के लिए स्टैंड लेना गलत है तो मैं आगे से स्टैंड नहीं लूंगी अपने परिवार के लिए। मेरी गलती कहाँ है मुझे बस इतना बता दो। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगी। इतनी सारी जिम्मेदारी के बाद सब कुछ कर रही हूं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि इसको बाहर निकाल दिया है तो पागल हो गई है। बता दें कि पायल का कहना है कि विशाल ने कृतिका के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पायल ने अपनी स्टोरी में इस क्लिप को शेयर भी किया था और इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्टोरी में एक नोट भी लिखा था कि मुझे ना तो किसी से कोई नफरत है और ना किसी तरह की निजी दुश्मनी। कृपया मेरी पिछली स्टोरी का वीडियो देखें, तब जाकर आपको एहसास होगा कि किसी महिला के बारे में ऐसे कमेंट करना गलत है। और मैं अपने परिवार के लिए आवाज उठाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है। मेरा इरादा कभी भी किसी को बदनाम करना या नफरत फैलाना नहीं था। कृपया मुझे बताएं कि अगर कोई अपने परिवार के लिए खड़ा होता है तो इसमें क्या गलत है। बता दें कि अरमान मलिक अपनी दो बीवियों के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर हमेशा छाए रहते हैं। उनकी दोनों बीवियां भी सोशल मीडिया पर ब्लॉग और वीडियो डालती रहती है। सोशल मीडिया पर उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं। ऐसे में पायल ने जब फैंस के मुंह से अपनी आलोचना सुनी तो यह उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वीडियो शेयर कर फूट फूट कर रोई।